बजट में जितने ज़्यादा मोबाइल आते हैं उससे ज़्यादा मोबाइल और कहीं पे भी नहीं आते हैं, मतलब इतनी जल्दी लॉन्च हो जाते हैं। हर कंपनी का कहीं ना कहीं बजट सेगमेंट में एक मोबाइल होता है, क्योंकि यार सबसे ज़्यादा जो मोबाइल बिकते हैं वो बजट वाले मोबाइल बिकते हैं। तो मोटोरोला ने भी अपना एक नया मोबाइल लॉन्च कर दिया है बजट सेगमेंट में, जो 10,000 के अंडर आएगा, और लॉन्च किया नहीं है बेसिकली, करने वाला है 12 अक्टूबर को 12 बजे फ्लिपकार्ट पे इसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी, और उसी मोबाइल के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप चाहें तो जाके खरीद सकते हैं। अगर आप लोग यार एक बजट मोबाइल खरीदने वाले हैं जो कि 10-12 हज़ार की रेंज में है, तब आप इस मोबाइल के लिए रुक सकते हैं 1-2 दिन के लिए, फिर आप देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप इस वाले मोबाइल को कंसिडर कर सकते हैं। और फटाफट इस मोबाइल के बारे में बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। तो आपको इसकी प्लास्टिक की बिल्ड देखने को मिलेगी। बजट सेगमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसकी डिस्प्ले या फिर कुछ कुछ चीज़ों पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, ताकि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस और बाकी चीज़ें अच्छी दे सकें। तो इस मोबाइल की डिस्प्ले में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया गया है। इस मोबाइल के अंदर आपको 6.5 इंचेस की HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज तक है, और इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो 400 निट्स की इसकी ब्राइटनेस है। मतलब कि अगर आप इंडोर घर में यूज़ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप बाहर जाके यूज़ करेंगे तब हो सकता है आपको स्ट्रगल करना पड़े, यानी 12 बजे अगर आप बाहर ले जाएंगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। इस मोबाइल की डिस्प्ले में हल्का सा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, अगर फुल HD होती तो ज़्यादा बढ़िया लगता, लेकिन सिर्फ यहाँ पे 720 प्लस ही आपको IPS पैनल देखने को मिलता है। इस मोबाइल की अगर हम कैमरे की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का यहाँ पे मेन कैमरा देखने को मिलता है, 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है, और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे माइक्रो शॉट्स के लिए कैमरा देखने को मिलता है। बैक कैमरे के थ्रू आप 1080 30 FPS तक की रिकॉर्डिंग कर पाओगे अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इस मोबाइल के अंदर आपको फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आप 1080 30 FPS तक की रिकॉर्डिंग फिर से कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा ओवरऑल पैकेज है। और इसके यार फोटो क्वालिटी किस तरह की है वो तो यार मोबाइल जब लॉन्च होगा उसी के बाद पता चल पाएगा, तब तक हमें सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि जैसे ही वीडियो आए तब आपको पता चल जाए। अगर हम इस मोबाइल की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है यूनिसॉक का T700, जिसकी यार सही बताऊं तो कोई और मोबाइल में नहीं आता है आई थिंक फिलहाल, जितना मेरे को पता है। और इसका परफॉर्मेंस टेस्ट होने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरह की परफॉर्मेंस आपको देता है। इस मोबाइल के अंदर आपको 4 GB रैम देखने को मिलती है और 64 GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। और ये मोबाइल एंड्रॉइड 11 के ऊपर बेस्ड आने वाला है, मतलब एंड्रॉइड 11 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, और इसी के साथ सिक्योरिटी पेज भी लेटेस्ट आएगा। इस मोबाइल की अगर हम बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, साथ में आपको 10 वोट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। 10 वोट वैसे फास्ट नहीं होता, बट 10,000 की प्राइस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग ये फास्ट ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि और मोबाइल में नहीं आता। कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करते हैं जो इस मोबाइल के बारे में है, जिनको ऐड करना जरूरी था। इस मोबाइल के अंदर आपको 3.5 mm जैक देखने को मिल जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर आप 1080 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, और चार्जिंग के अंदर आपको टाइप सी कनेक्टर देखने को मिलता है, जो कि यार एक बजट प्राइस ब्रैकेट पे लाना काफी ज्यादा बड़ी चीज होती है। डेफिनेटली इस चीज को अप्रिशिएट किया जा सकता है कि इसमें टाइप सी देखने को मिलेगा आपको। पीछे जो मोटोरोला का ब्रांडिंग आती है M लिखा हुआ, वहीं पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। तो ये मोबाइल 4G फोन है, इसके अंदर आप 2 4G की सिम लगा सकते हो और एक SD कार्ड भी यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर बेसिकली डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट आता है। इस मोबाइल की अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस रिवील्ड नहीं की गई है, लेकिन इसकी डिस्प्ले और बैटरी कैमरा सब कुछ को देख के पता कर सकते हैं कि अराउंड ये 10,000 के आसपास आएगा। अगर ये 10,000 के आसपास आता है तो काफी अच्छा पैकेज हो सकता है। तो प्राइस यार सिर्फ 12 तारीख को ही देखने को मिलेगी फ्लिपकार्ट पे 12 बजे। इंटरेस्टेड है तो एक बार चेक जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब कर दो जैसे ही ये वाला फोन आ जाए तो उसका रिव्यू देखने के लिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।